हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। फाइलम कोर्डेटा स्टार्ट किया था हमने, जिसमें उसका फर्स्ट ग्रुप प्रोटोकोर्डेटा मतलब आद्य कोर्डेट पढ़ रहे थे हम, जिसका सब फाइलम यूरोकोर्डेटा हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हम ले रहे हैं सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। तो स्टार्ट करते हैं सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। इसके ये करेक्टर है और एक ही टिपिकल सब फाइलम सिफेलोकोर्डेट है, जिसके हम यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर देखने वाले हैं। तो अगर बात करें सिफेलोकोर्डेटा की, तो इसका नाम सिफेलोकोर्डेटा क्यों है? इसका नाम सिफेलोकोर्डेटा इसलिए है क्योंकि जो इसमें जो कोर्डेट के लक्षण होते हैं, नोटोकोर्ड और नरोकोर्ड, वह सिर रीजन में ही पाए जाते हैं और एंटीरियर रीजन से चलकर पोस्टीरियर रीजन तक प्रेजेंट होते हैं। मतलब पूरी बॉडी में इनके अंदर नरोकोर्ड और नोटोकोर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हम इसको शुरू कर रहे हैं कि फर्स्ट कंप्लीट कोर्डेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंप्लीट कोर्डेट। फर्स्ट कंप्लीट कोर्डेट से मतलब है कि जो कोर्डेट के लक्षण होते हैं, जैसे नरोकोर्ड का पाया जाना, नोटोकोर्ड का पाया जाना, फेरिंजल गिल स्लिट्स, ये प्रेजेंट तो होते ही हैं, साथ ही ये पूरी लाइफ भर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ की किसी स्टेज में प्रेजेंट है, ये इसके पूरे जीवन पर्यंत प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको फर्स्ट कंप्लीट कोर्डेट बोल रहे हैं, क्योंकि सारे करेक्टर भी प्रेजेंट हैं और पूरी लाइफ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कंप्लीट एनिमल है ये कोर्डेट का, कौन? सिफेलोकोर्डेट। एग्जांपल में हम देखेंगे जैसे एम्फियोक्सस, ब्रांचियोस्टोमा वगैरह, ठीक है। तो नोटोकोर्ड एंड नरोकोर्ड रन फ्रॉम वन एंड ऑफ बॉडी टू अनदर एंड। कहने का अर्थ है कि एंटीरियर रीजन से नोटोकोर्ड और नरोकोर्ड चलकर पोस्टीरियर रीजन तक जाती हैं। इंटीरियर रीजन माउथ की तरफ, पोस्टीरियर रीजन टेल की तरफ। जिधर मुख होता है उधर एंटीरियर रीजन, जिधर पूंछ होती है उधर पोस्टीरियर रीजन। तो एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक नरोकोर्ड और नोटोकोर्ड जाती हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। ये एक टिपिकल सिफेलोकोर्डेट है। माना कि एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक एम्फियोक्सस है, या इसका दूसरा नाम है ब्रांचियोस्टोमा। तो इसके अंदर जो ये रेड कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये एक नोटोकोर्ड है, और ठीक इसके ऊपर जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, वो डोर्सल होलो नर्व कोर्ड है। तो नोटोकोर्ड और नर्व कोर्ड दोनों माउथ से लेकर, माउथ तो इसमें एब्सेंट होता है, वैसे सॉरी माउथ हेड रीजन इसमें एब्सेंट होता है, रोस्ट्रम पाया जाता है। तो रोस्ट्रम से लेकर टेल तक, इसके अंदर मतलब एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक ये दोनों स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और पूरी लाइफ भर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो होलो नर्व कोर्ड, नर्व कोर्ड होलो पाई जाती है। होलो को मतलब लाइक है ऐसे एक नर्व कोर्ड है, अब अगर उसका सेक्शन कटिंग लेंगे तो अंदर से खोखली है, तो होलो नर्व कोर्ड प्रेजेंट होती है और डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। नॉक्चुरनल एंड बोरोइंग एनिमल होते हैं। नॉक्चुरल का मतलब रात्रिचर और बोरोइंग का मतलब बिल बनाकर रहने वाले एनिमल्स होते हैं ये। लेटरली फ्लैट और मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। लेटरली फ्लैट का मतलब क्या है? लेटरल मतलब पार्श्व सतह, मतलब ये वाली सतह। तो लेटरली फ्लैट, जो ये लेटरल सतह है, यहाँ से ये प्लेट फ्लैट होते हैं। जो चिपकली होती है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, लेकिन ये लेटरली फ्लैट होते हैं। तो लेटरली फ्लैट एनिमल है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है, ठीक है। लार्वा और एडल्ट बोथ है कोर्डेट करेक्टर, लार्वा और एडल्ट दोनों में कोर्डेट करेक्टर इनमें पाए जाते हैं। हेड इनके अंदर एब्सेंट होता है और बॉडी का जो डिवीजन है वो ट्रंक और टेल में होता है। बॉडी का जो भी डिवीजन है वो ट्रंक, यहाँ से ये ट्रंक और ये टेल, ट्रंक और टेल में होता है, और यहाँ पर रोस्ट्रम पाया जाता है इससे हेड की जगह पर, ठीक है। पेयर्ड फिन इनमें एब्सेंट होते हैं, कोई फिन नहीं पाए जा रहे हैं यहाँ पर, पेयर्ड फिन वो एब्सेंट है इनमें। और ये जो एनिमल्स होते हैं सीलियरी फीडर होते हैं। सीलियरी फीडर का मतलब है कि इनमें सीलिया पाए जाते हैं जो फूड को छानते हैं। कोई वृहद अणु, लार्ज मोलिक्यूल है, उसको नहीं लेना है, जो लार्ज पार्टिकल है फूड के उनको ये नहीं लेते हैं, छान छान कर फूड को अंदर लेते हैं, इसलिए इनको सीलियरी फीडर या फिल्टर फीडर बोलते हैं, मतलब छान कर खाने वाले। और जो ये फीडिंग का फिल्टर का जो वर्क करता है वो वेलम है, वेलम इनमें प्रेजेंट होता है। वेलम को हम मूलर का ऑर्गन भी बोलते हैं, सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर, मूलर साइंटिस्ट का नेम है, तो सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर भी बोलते हैं इस वेलम को। तो वेलम प्रेजेंट होता है इनमें फॉर सीलियरी फीडर, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें अभाव होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक कि कुछ करेक्टर इस साइड है, जैसे कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक्सक्रिएशन बाय प्रोटोनेपिडिया,
अब प्रोटोनेब्रिडिया पाए जाते हैं, इनमें एक्सक्रिएशन जो होता है वो प्रोटोनेब्रिडिया के द्वारा होता है, जिसको सोलेनोसाइट या कह सकते हैं फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं, जैसे कि फेसियोला में पाई जा रही थी, ठीक है। तो जो प्लेटी एलमेंटी से फेसियोला उसमें भी पाई जाती है, तो इसी प्रकार इसमें यहाँ पर भी प्रोटोनेब्रिडिया या सोलेनोसाइट या बोल सकते हैं फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, एक पोर्टल सिस्टम होता है जो हम इसको जो आने वाले लेक्चर में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको समझेंगे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है यकृत निवाहिका तंत्र, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं। इनडायरेक्ट टाइप का इनमें डेवलपमेंट होता है, अर्थात इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। और एग्जांपल की बात करें तो एम्फियोक्सस या बोल सकते हैं ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस का ही नाम ब्रांचियोस्टोमा है, ठीक है। या फिर इनका सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं एसीमेट्रोन, तो ये इनके एग्जाम्पल है। ये इसके मुख्य मुख्य करेक्टर है सिफेलोकोर्डेटा के, जो सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा है उसके मुख्य करेक्टर है। अब एक टिपिकल सिफेलोकोर्डेटे माना कि एम्फियोक्सस मान सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट है, ये तो बात होगी थी हमारी रेड कलर और जो ग्रीन कलर की ग्रीन होलो नर्व कोर्ड है डोर्सल साइड पे, और नोटोकोर्ड इनमें प्रेजेंट होती है जो एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड तक जाती है। साथ ही जो बॉडी होती है ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पर टेंटाकल प्रेजेंट है माउथ के यहाँ पर, ठीक है। इस वाले रीजन को रोस्ट्रम बोलते हैं, हेड वाले रीजन को हेड तो इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन जहां पर हेड रहता है उस वाले हिस्से को इसको रोस्ट्रम बोलते हैं, और हेड एब्सेंट है इनमें। और टेल ये पीछे वाला हिस्सा, अब आपको जो ये रेड कलर की नोटोकोर्ड है इसके चारों तरफ जो ये डिश 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 टाइप से जो लग रहे हैं ये सेगमेंटल मसल्स होती हैं, मायोटोम मसल्स पाई जाती हैं जो इसके बॉडी में मूवमेंट में मदद करवाती हैं। तो ये जो ये खड़ी खड़ी लाइनें हैं इस नोटोकोर्ड के चारों तरफ वो सेगमेंटल मसल्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये फेरिंजल गिल स्लिट से जो कि एक नोटोकोर्डेटा का फंडामेंटल करेक्टर है, फेरिंजल गिल स्लिट्स होती हैं, इनकी संख्या यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि इतनी संख्या रहती है, ये अलग संख्या हो सकती है। तो फेरिंजल गिल स्लिट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती हैं रोस्ट्रम से लेकर टेल तक। तो ये बात की हमने सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसकी हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देखेंगे, फिशेस की बात करेंगे, और देन फिर हम टेट्रापोड की बात करेंगे।